नमस्कार व्यूअर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। मेरे साथ डॉक्टर श्रीराम आचार्य हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने घर में ना लड्डू गोपाल रखते हैं, तो मेरी भी इच्छा हुई कि क्या मैं भी अपने घर में लड्डू गोपाल रख सकता हूँ। तो मैं आज आपसे यही जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोगों को देखा गया कि वो रखते हैं, तो क्या एक कोई आम व्यक्ति अपने घर में लड्डू गोपाल को रख सकता है? देखिए, इस बात में थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति आम नहीं है, सब विशेष है, सब भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति है और उस परमात्मा के ही अंश है, आत्मस्वरूप। और लड्डू गोपाल का विग्रह हो या अन्य कोई विग्रह हो भगवान का, आप रख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि जो नियम, जो आवश्यक नियम पूजा में, सेवा में, इत्यादि में हमें पालन करने चाहिए, उनका पालन अवश्य हो। क्योंकि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उनके लिए जो आवश्यक नियम है उनका हम जरूर पालन करें, उस विधि का जरूर अनुसरण करें। आपने जब नियम की बात बोली तो मैं एक तो पहले तो ये समझना चाहूंगा कि क्या मतलब, मैंने जो सुना है कि बड़े जो होते हैं ना सख्त से नियम होते हैं लड्डू गोपाल को घर में रखने के, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। देखिए, आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि लड्डू गोपाल को लेकर के लोगों में रुचि जागृत हो रही है, और जैसा आपकी जिज्ञासा थी कि बहुत से लोग रखते हैं इसलिए मैं भी रखना चाह रहा हूँ, तो लगभग इसी क्रम में अधिकतर लोग अपने घर में लड्डू गोपाल लाते हैं, रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि किसी को देख करके या किसी के कह देने मात्र से, रिश्तेदार हो, मित्र हो या अन्य कोई भी महापुरुष हो, उनके कहने मात्र से आप लड्डू गोपाल या भगवान के अन्य किसी विग्रह को नहीं लेकर के आए और उनको पूजा में ना रखें। दूसरी बात कि हम लाते हैं, रखते हैं, और नियम की जहां बात आती है कि नियमों के अनुसार या जो विधि बताई गई उसके अनुसार पूजा करें, बहुत कड़े नियम हैं, बहुत मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है। बल्कि भगवान के लिए जो आवश्यक कार्य हैं वे ही करने चाहिए, वे ही बताए गए हैं। आज के समय में लोगों ने लड्डू गोपाल को एक खिलौना बना दिया है। बहुत से लोगों के ये प्रश्न होते हैं, व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं कि यार क्या इस प्रकार के कार्य सही हैं, कैसे कार्य, कि लोग लड्डू गोपाल को लेकर के इतनी फॉर्मेलिटीज बना देते हैं कि उनको फ्रेश करवाना है, सुबह उनको ब्रश करवाना है, उनको इस गर्म पानी से नहलाना है, ठंडे पानी से नहलाना है, उनको ऊन के कपड़े पहनाने हैं कि रेशम के पहनाने हैं कि सूत के कपड़े पहनाने हैं, कॉटन के, उनको खाने में टॉफियां खिलानी है, आज बर्थडे है तो केक काटना है, खाने में भोग में जो है टॉफी चॉकलेट इत्यादि चल रहे हैं, बच्चों के लिए चॉकलेट चाहिए तो वो भगवान को खिलानी है। इन सबको देख करके मन में बड़ी ग्लानी होती है और ऐसा लगता है कि जितनी दुर्गति लोगों ने लड्डू गोपाल के मूर्ति की है, आज उस विग्रह की है, उतनी दुर्गति और किसी की नहीं है। मैंने यहाँ तक स्तर देखा है लोगों का कि सी बीच पर गए हैं, समुद्र के किनारे पर, और लड्डू गोपाल को मिट्टी में दबा रखा है, उस पर पानी डाल करके खेल रहे हैं कि हम आए तो हमारे भगवान भी खेलें, सी बीच का आनंद लें। इससे ज़्यादा दुर्गति किसी विग्रह की नहीं हो सकती। और आप ये मान के चलिए कि यदि आप भाव रख रहे हैं, भगवान का भाव रख रहे हैं उसमें, और फिर ऐसे काम कर रहे हैं, तो ये आपकी भी दुर्गति का कारण बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से विधि बताई गई है उसी प्रकार से निषेध भी बताए गए हैं। कुछ कार्य हैं जो आवश्यक रूप से करने हैं, तो बहुत से कार्य ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप ये देखेंगे कि हमारे भारत के ही पुराने मंदिरों में जो पुजारी जी होते थे, अंदर गर्भगृह में रहते थे, तो वो देहली पर पैर भी नहीं रखते थे, अस्पृश्यता रखी जाती थी पूरे तरीके से, किसी को भी स्पर्श नहीं करते थे वो, यहाँ तक कि देहली के बाहर भी पैर नहीं रखते थे। इसको अपरस की सेवा कहा जाता था, अस्पृश्य शब्द से अपरस बन गया कि पुजारी जी किसी को स्पर्श नहीं करेंगे, सामग्री को भी नहीं करेंगे।
वो किसी भी व्यक्ति को नहीं करेंगे स्पर्श, भगवान को ही स्पर्श कर सकते हैं क्योंकि उनकी सेवा के लिए। यदि गलती से उनका दहली पर भी पैर पड़ गया तो वो जाएंगे नहाकर आएंगे और फिर पूजा। तो उस विग्रह में जो शक्ति उत्पन्न होती है वो सेवा पूजा से ही होती है, और सेवा पूजा जितने सही तरीके से की जाए उसी से वो शक्ति उत्पन्न होती है। दूसरी बात, आज के समय में लोग लड्डू गोपाल हो या अन्य मूर्ति हो उसको घर लेकर के क्यों आते हैं? ताकि हम उनकी पूजा करें, और इनकी पूजा से फला व्यक्ति को धन की प्राप्ति हुई है तो वो मुझे भी हो, लड्डू गोपाल की पूजा से अमुक व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हुई है वो मुझे भी हो। हम एक कामना को लेकर के उस विग्रह को लाते हैं घर में और उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए हम ले आए लेकिन विधि का पालन नहीं किया, ना निषेध को का पालन किया, और केवल कामना है कि मैं ऐसा कर रहा हूं मुझे ये मिल जाए, जो कि किसी भी प्रकार से आचार के विरुद्ध है, हर तरीके से आचार के विरुद्ध है। अब बात यदि हम करें भगवान की पूजा के क्या नियम है, कठोर है सरल है, तो भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत में तीन प्रकार बताए हैं पूजा के, एक वैदिकी, एक तांत्रिक और एक मिश्रित। वैदिक पद्धति से आप पूजा करें, तांत्रिक पद्धति से पूजा करें, या मिश्रित तरीके से जिसमें कुछ वैदिक पद्धति और कुछ तांत्रिक हो, इस प्रकार से आप तीनों प्रकार से पूजा कर सकते हैं। सामान्य रूप से हमें जो घर पे पूजा करनी चाहिए वो वैदिक पद्धति से पूजा करनी चाहिए, जो सामान्य व्यक्ति है जो अधिकतर नहीं जानता इस क्षेत्र में। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि जो हम मूर्ति लेकर के आए हैं वो वास्तव में भगवान का विग्रह है भी नहीं। भगवान का विग्रह कब होगा? जब उस मूर्त स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वैदिक पद्धति के द्वारा, विभिन्न मंत्रों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा, जिसमें कि अधिवास भी है, स्नान भी है, हवन भी है, प्रायश्चित कर्म है, उसके बाद भगवान के अंश की उसमें प्रतिष्ठा होती है, अर्थात भगवान स्वयं उस मूर्ति में प्रतिष्ठित होते हैं, स्थापित होते हैं, तब वो भगवान है। और उसके बाद हम उनकी पूजा अर्चना नियम के अनुसार करें तो हमें फल प्राप्ति होगी ही होगी। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं लोग कि मैंने 4 साल तक लड्डू गोपाल की पूजा की, खूब सेवा की और मुझे कुछ नहीं मिला। तो इसमें दो दोष हैं, एक तो कुछ मिलता इसलिए हमने पूजा की, एक दूसरा ये कि विधि पूरी नहीं हुई, इसमें प्रतिष्ठा ही नहीं हुई, तो आप किसको भोजन करवा रहे हैं, किसकी आरती कर रहे हैं, दोनों चीजें। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब, इस सवाल में पूछना आपसे जा रहा था, अब इसमें से और बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, मतलब हमारा लग रहा है टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे आने वाले किसी एपिसोड में जरूर ये जानना चाहूंगा कि जो हम लोग घर में जो मंदिर बनाते हैं जिसमें हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, ज्यादातर लोग शायद ऐसे ही होंगे क्योंकि मेरे घर में भी जितनी भी मूर्तियां हैं उनमें किसी में प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तो वहां क्या करते हैं? वो पूजा करनी चाहिए नहीं? खैर, माफी चाहूंगा, बात आगे निकल गई। अब आप कंटिन्यू क्या कर रहे थे लड्डू गोपाल के विषय में? तो एक तो ये है कि पूजा के जो नियम है वो पूरे नियम, ये स्पष्ट है कि आज के समय में साधारण व्यक्ति पूजा के पूरे नियम फॉलो नहीं कर सकता। तो भगवान ने स्वयं इसके विषय में श्रीमद् भागवत में भी और अन्य ग्रंथों में भी व्यवस्था की है कि आप पंचोपचार पूजा करें, 5 उपचारों से पूजा करें। लेकिन चूंकि आप प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति घर में रखते हैं तो उन्हें कुछ विशेष नियमों के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए जो सरल है। उनमें क्या क्या है कि उनमें सबसे पहले आप शुद्ध जल, जिसमें कि गंगा जल भी मिश्रित हो, उस जल से स्नान करवाएं, पोंछें, उसके बाद तिलक करें, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये पंचोपचार है, 5 विशेष कार्य होने चाहिए। तो स्नान के बाद गंध अर्थात तिलक करें, आप चंदन का तिलक कर सकते हैं, कुमकुम का कर सकते हैं, पुष्प अर्पित करें, धूप अर्थात धूप दिखाएं, धूप बत्ती दिखाएं, दीप अर्थात दीपक दिखाएं, आरती करें। यदि आरती करते हैं तो पहले भोग लगाएं, पहले भोग लगाएं, नैवेद्य अर्पित करें, उसके बाद धूप और दीप करें। और केवल दीपक रखते हैं तो धूप, दीप और उसके बाद भोग लगाएं, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। ये कार्य अवश्य होने चाहिए। सबसे पहले स्नान, उसके बाद भगवान को पोंछें, फिर तिलक करें, फिर नैवेद्य अर्थात भोग लगाएं, धूप दिखाएं और आरती करें। ये नियम उन विग्रहों के लिए हैं जो कि घर में हैं और जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, चाहे वो फिर लड्डू गोपाल हो, कोई भी भगवान का कोई भी विग्रह।
ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है, और क्योंकि एपिसोड लंबा हो गया तो व्यूअर्स, मैं वो एपिसोड अगले एपिसोड में मैं आपको ज़रूर उस प्रश्न का जवाब दिलाऊंगा कि डॉक्टर साहब, प्रश्न ये है कि जब हम लड्डू गोपाल को साथ लेके जाते हैं, या मैं यूं कहूं कि जब हमने लड्डू गोपाल में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, घर में पूजा हो रही है, सेवा हो रही है उनकी, और हम कहीं बाहर जाते हैं, पूरा परिवार बाहर जाता है, तो क्या उनको साथ लेके जाना चाहिए? ले जाना चाहिए तो क्या नियमों का पालन होना चाहिए, और नहीं ले जाना चाहिए तो क्या ध्यान रखना चाहिए? ये दोनों चीजें आपसे हम व्यूअर्स अगले एपिसोड में इस सवाल का जवाब डॉक्टर श्रीराम आचार्य से दिलाएंगे, और ये आपको आश्वस्त कराता हूं कि जो भी जवाब होगा वो शास्त्रों के अनुसार जो होता है वही होगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा के साथ।